ये दाढ़ियाँ टूटी हुई हैं। आप देखियो ऐसी हालत हो रखी है, लगभग 200 किलोमीटर अगर उस साइड से आपको क्रॉसिंग करना हो तो आप इतने ट्रैफिक में, इतना हाईवे ट्रैफिक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 60-60 रुपए में चश्मा मिल रहे हैं, 80 रुपए में कैप वगैरह मिल रही है, ग्लव्स वगैरह मिल रहा है, रुमाल मिल रहा है। भाई अहमदाबाद सिटी में इतना क्राउड है कि पूछो मत, जगह ही नहीं मिलती है साइकिलिंग करने के लिए। हेलो जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड गाइस। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। और आज हमारे ऑल इंडिया साइकिल राइड का 44 डेज हो चुका है और लास्ट नाइट हम इस मंदिर में रुके थे, श्री हनुमान जी का मंदिर है गाइस। इस मंदिर को अच्छे से देख लीजिए आप। और अब भी इस मंदिर की मैं एक बात बता देता हूँ, हम यहाँ पर रुके थे गाइस, ना तो हमें कोई सुविधा दी गई, हमें एक चबूतरी दी गई, चबूतरी बोले तो एक बालकनी की नीचे की जगह दी गई थी और हमसे 100 रुपये लिया गया था कि इसके लिए आपके पैसे लगेंगे। मतलब कैसे ना 200 रुपये मांगे थे, कैसे ना कैसे करके 100 रुपये लगेंगे, तो भाई 100 रुपये देने ही पड़े हमें। ये है हमारा मंदिर भाई। मतलब लोग थोड़ी भी सिचुएशन से नहीं समझते हैं कि क्या है, अब उनका क्या ही जा रहा था इतनी सी जगह देने में, लेकिन फिर भी पैसे देने पड़े भाई। यहाँ पे हमारा बैड एक्सपीरियंस रहा कि ऐसे ऐसी भी जगहें हैं जहाँ लोग लूटने से पीछा ना रहते हैं। दोस्तों अभी हम खड़े हैं अहमदाबाद सिटी की तरफ जाने के लिए, और अहमदाबाद सिटी जो कि इधर अंदर से जाएगी और ये बाहर से आए हुए जाता है, तो हम ना सोच रहे हैं सिटी के अंदर एंटर होते हैं और सिटी के अंदर जाके पहले तो मेरी साइकिल बनवानी है। साइकिल में भाई इतना काम है कि पूछो ही मत, तो हमें फिर काम भी है थोड़ा सा उधर। और अभी हम चल रहे हैं अहमदाबाद सिटी की ओर और ये रास्ता जा रहा है सिटी की तरफ। और यहाँ पर हमने साइकिल लगाई है और अहमदाबाद का ट्रैफिक भाई ये देखिए, अगर उस साइड से आपको क्रॉसिंग करना हो तो आप इतने ट्रैफिक में क्रॉसिंग भी नहीं कर सकते, इतना हाईवे ट्रैफिक है, ये आप देखिए आप खुद। तो काफ यहाँ पे हम साइकिल को ढूंढ रहे हैं, अगर देखो कहाँ मिल जाए तो हम कराते हैं रिपेयरिंग। अभी हम पहुँच चुके हैं साइकिल की शॉप पर और अभी हमारी साइकिल की हालत देखो, ये दाढ़ियाँ टूटी हुई हैं, ये आप देखिए ऐसी हालत हो रखी है। लगभग 200 किलोमीटर तक हमने सर्वाइव किया भाई, कितना कम नहीं होता है, और बारिश भी आ चुकी है यहाँ पर। तो अभी साइकिल को ठीक ठाक करवाते हैं, फिर देखते हैं कि हमें क्या करना है। हमारा जो सेटअप हो चुका है और ये व्हील के अंदर ये निकल चुका है बैंड, और ये पैंडल भी हमने नए लगवा लिया है। अभी सारा कुछ सामान वामान सारा फिट कर लिया है। अभी जैसे संपूर्ण भाई ने हमें लोकेशन भेजी है, अभी उस लोकेशन की तरफ हमें जाना है। और बड़ी मुश्किल से हमारा काम हुआ है इस बार, तो पैसे सारे मेरे पास ख़त्म हो चुके थे और बहुत ही अरेंजमेंट करके मैं पैसे लाया था, एटीएम से भी नहीं निकल रहे थे, तो थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट की थी किसी से, अभी पैसे निकल चुके हैं, पहुंच चुके हैं संपूर्ण ने जो लोकेशन बताई थी वहां पर। और अभी मार्केट से जो निकले हैं भाई, शूट करने का ज़रा सा ही मौका नहीं मिला। यहाँ की मार्केट में इतना भयंकर वाला प्रचंड मच रहता है, इतनी भयंकर वाली भीड़ थी कि भाई एक मिनट का भी मुझे मौका नहीं मिला। मैं तो अभी हम बाहर निकल चुके हैं अपने मेन सिटी से और ये थोड़ा सा छोटा मोटा हाईवे है, इस हाईवे पे पहुँचे हैं आप देख सकते हो। ये भी सिटी के अंदर ही है लेकिन मेन सिटी जो डीप सिटी थी वहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ पे देखो कितना प्यारा सा, वाह भाई कितना बेहतरीन वो देख सकते हो शोरूम है यहाँ, लेकिन क्या ही करें दिल खुश कर सकते हैं इन सबको देख कर। तो अभी हम पहुँच चुके हैं अहमदाबाद की सबसे हाईएस्ट मार्केट में, जहाँ पे आप देखा देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे कितनी बड़ी मार्केट है। सिर्फ एकदम सस्ते वाले कपड़े हैं जहाँ पे, एकदम मतलब कि रिजनेबल रेट में जो मिलते हैं आप सभी को। यहाँ पे आप देख सकते हो कपड़े ही कपड़े और काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो 60-60 रुपए में चश्मा मिल रहे हैं, 80 रुपए में कैप वगैरह मिल रही है, ग्लव्स वगैरह मिल रहा है, रुमाल मिल रहा है, मोज़े मिल रहे हैं। और भाई अहमदाबाद सिटी में इतना क्राउड है कि पूछो मत, जगह ही नहीं मिलती है साइकिलिंग करने के लिए, इतना पब्लिक है भाई, इतना इतना ट्रैफिक है। यहाँ से हमने केले लिए हैं और खाना तो हमने खाया नहीं है आज, खाना तो हमारे नसीब में खाने केले थे, यहाँ से केले लिए और केले खाए। अभी हमने हमारी स्पीड खोली है मेन हाईवे पे आने के बाद में, और ये चल रहा है हाईवे जो
काफी मजा आ रहा है, खुला हाईवे मिला है इसलिए चलाने का मजा आ रहा है। तो लेट्स सिम चलते हैं और मिलते हैं जल्दी से। हम पहुंच चुके हैं हमारे लोकेशन पर और भाई बधाइयां दी जा रही है रिवाइंड की तरफ से, जो हमें मिला है गिफ्ट, जो ये देखिए, ये मुबारक हो तुमको ये शादी। इन भाई साहब को भी माला पहनाई गई है जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे रहने सहना का हो गया है, एक गौशाला मिली हमें जो कि आप देख सकते हो, ये देखो ये गौशाला है और इसी गौशाला में हमें रहने के लिए जगह मिली है इस जगह पे। तो यहीं कहीं हमें आना रहना होगा आज, और खाना पीने का कोई पता नहीं, खाना पीना शायद हमें ही बनाना होगा। तो गौशाला में रहते हैं और करते हैं चिल। हाय हाय कितना प्यारा मौसम दिख रहा है, ये आप देखिए बहुत ही प्यारा। फाइनली गाइज अभी हम खाना बना रहे हैं और भाई क्या ही करें, 9 बजने वाले हैं और भूख बड़ी ज़ोरों से लग रही है, पूरे दिन से हमने खाना नहीं खाया है। और यह हमारे भाई रवि भाई चावल बना रहे हैं यहाँ पे, ये रहे चावल हमारे और ये रहे हमारे रवि भाई। हेलो हेलो गाइस, ये हमारी पार्टी चल रही है। देखो गाइस ये बन रहे हैं हमारे चावल, चावल क्या है सब्जी फ्राई हो रही है अभी, और ये हमारे चावल है। तो क्या ही करें, अब देख लो ट्रैवलिंग के दौरान ये सब कुछ करना पड़ता है। बहुत से लोगों को तो लगता है कि खाने को कुछ नहीं मंदिर पे मिल जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरा भाई, यहाँ पे खुद से बनाना पड़ता है, बहुत सी बार ऐसा होता है। तो अब खुद से बना रहे हैं और खुद से खा रहे हैं। तो लेट्स गाइस आज के ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं करते हैं और कल मिलते हैं आपको एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ।